वेलकम क्लास 5। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट परसेंटेज चैप्टर 13। तो इंट्रोडक्शन में देखो, फर्स्ट इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, अ फ्रैक्शनल नंबर विथ 100 एज द डिनोमिनेटर इज नोन एज परसेंटेज। मतलब एक फ्रैक्शनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर में 100 है उसको ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। द वर्ड परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंट्यूरी मीनिंग पर 100। पर मीन्स आउट ऑफ और फॉर एवरी एंड सेंट मीन्स हंड्रेड्स। सो परसेंट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, तो ये जो परसेंट वर्ड है ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड परसेंट्यूरी से, जिसका मीनिंग है पर 100। ठीक है, अब देखो परसेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। पर मीन्स क्या है? आउट ऑफ या फॉर एवरी, और सेंट मीन्स 100। तो परसेंट का मीनिंग क्या हुआ? आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है, अब नीचे देखो परसेंटेज। When a quantity is expressed in a percent form, it is called percentage. तो अगर एक क्वांटिटी को हम लोग परसेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 25/100 मतलब 25%, 75/100 मतलब 75%, ऐसे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर 100 रहा तो उसको ही हम परसेंटेज बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो सम फैक्ट्स अबाउट परसेंटेज। परसेंटेज आर फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर 100। तो परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 है। अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज by converting it into an equivalent fraction with 100 as a denominator। मतलब कोई भी फ्रैक्शन को तुम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले सकते हो जिसके डिनोमिनेटर में 100 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वी कैन कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ परसेंट बाई मल्टीप्लाइंग इट बाय 100 एंड राइटिंग द परसेंट सिंबल। ठीक है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100। ठीक है, नेक्स्ट देखो अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100 कैन बी रिटन एज अ परसेंटेज बाय राइटिंग द न्यूमरेटर विथ द परसेंट साइन। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो कैसे लिख सकते हो उसको? न्यूमरेटर लिख के उसके बाद एक परसेंट सिंबल उसके साथ लगा दो तो हो जाएगा परसेंटेज। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, ऊपर में 25/100 तो नीचे 100 है, उसको न्यूमरेटर लिखा 25, उसके बाद एक परसेंट साइन लगा दिया तो हो गया 25%। वैसे ही नेक्स्ट देखो, टू कन्वर्ट द परसेंटेज टू अ डेसिमल डिवाइड इट विथ 100, दैट इज मूव द डेसिमल 2 प्लेस टू द लेफ्ट। मतलब देखो क्या है, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो जो डेसिमल प्लेस है वो 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू कन्वर्ट द परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन डिवाइड इट बाय 100 एंड रिड्यूस इट टू इट्स लोएस्ट टर्म। तो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड करो और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर दो। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज 13A। फर्स्ट सम क्या है?
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। तो देखो, फर्स्ट सम क्या दिया है, 37/100, तो उसको कैसे लिख सकते हो, 37%। सेकेंड सम 18/100, उसको हम 18% लिख सकते हैं। ऐसे थर्ड सम में हम लिख सकते हैं 3%, फोर्थ सम में 85%, फिफ्थ सम में 29%। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट सम कंप्लीट। अब सेकेंड सम में देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। तो परसेंटेज दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है कि डिनोमिनेटर में 100 रहे। तो देखो, 41% को हम ऐसे लिख सकते हैं 41/100, 56% को 56/100, 62% को 62/100, 69% को 69/100 और 93% को 93/100। ठीक है, अब नंबर थ्री देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। फ्रैक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, 1/4 को हम कैसे परसेंटेज में लिख सकते हैं, देखो ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले। 25 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि अगर नीचे 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 100 आना ज़रूरी है परसेंटेज के लिए। तो इसीलिए ऐसा एक नंबर चूज़ किया कि नीचे 100 आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए 25। तो देखो, 25 into 4, 100, मतलब 25% हो गया परसेंटेज में चेंज। नेक्स्ट 9/10, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर नीचे, तो नीचे 100 आएगा। तो इसीलिए 90/100, उसके बाद 90%। नेक्स्ट सम देखो, 17/20, 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 आएगा, इसीलिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आया 85%। नेक्स्ट देखो, 4/1/2, मतलब 9/2, 9/2 को अगर 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 450%। नेक्स्ट 17/10, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर नीचे, तो नीचे 100 आएगा, मतलब 170%। ठीक है, तो ये हो गया सम नंबर 3 कंप्लीट। अब सम नंबर 4 को देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो, 38%, उसको 38/100 लिखे, उसके बाद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किए 19/50। नेक्स्ट 47%, 47/100, यही है लोएस्ट टर्म। नेक्स्ट 78%, 78/100, आफ्टर कटिंग वी विल गेट 39/50। नेक्स्ट देखो, 82%, मतलब 82/100, कट करने के बाद 41/50। नेक्स्ट 67, 1/3%, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 202/3×100। ठीक है, मतलब 202/300, आफ्टर कटिंग वी विल गेट 101/150। नेक्स्ट 112, 1/2%, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 225/2×100, आफ्टर कटिंग क्या मिलेगा, 9/8, मतलब 1/8। नेक्स्ट 16, 2/3%, मतलब 50/3×100, आफ्टर कटिंग वी विल गेट 1/6। एंड लास्ट 1/2%, मतलब 3/2×100 इक्वल टू 3/200। ठीक है, तो ये हो गया सम नंबर 4 कंप्लीट। अब सम नंबर 5 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, तो मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 13%, मतलब 13/100, 100 से जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल क्या होगा, 2
प्लस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए 0.13। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, दो प्लस शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 24%, मतलब 24/100 डिवाइड करने के बाद क्या मिला, 0.24। 69% डिवाइड करने के बाद क्या मिला, 0.69। 81% डिवाइड करने के बाद क्या मिला, 0.81। 105% डिवाइड करने के बाद हुआ 1.05। 250% डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, 2.50। 6.25% डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, डेसिमल यहाँ पे था, दो प्लस शिफ्ट हो गया, मतलब 0.0625। 10.02% डिवाइड करने के बाद हुआ, ये भी डेसिमल प्लस दो शिफ्ट हो गया, मतलब 0.1002। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 5 खत्म। अब देखो नंबर 6, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब डेसिमल में दिया हुआ है, परसेंटेज में निकलना है। तो 0.58 मतलब 58/100 मतलब 58%। 0.483 मतलब क्या है, 483 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है इसीलिए 1000। अब हम ये 1000 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 into 100। अब अगर 10 से पहले डिवाइड करें तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, है ना, होगा क्या, 48.3 डिवाइडेड बाय 100। अब ये नीचे 100 है मतलब उसको हम परसेंट साइन में लिख सकते हैं, तो 48.3%। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2.76, तो मतलब 276 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 276%। नेक्स्ट 9.243, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 9243 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, 3 डेसिमल प्लेस है इसलिए 1000। तो 1000 को हम ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं, 10 into 100। अब 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 100, तो नीचे 100 है उसको हम परसेंट साइन में लिख दिए, तो क्या हुआ, 924.3%। नेक्स्ट 6.025, यहाँ पे भी सेम मेथड यूज़ किए हैं, नीचे 1000 है क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस है, उसको 10 into 100 में लिखे, फिर 10 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे एक डेसिमल आया, फिर डिवाइडेड बाय 100, ये डिवाइडेड बाय 100 है इसलिए परसेंट साइन में लिख दिए। नेक्स्ट देखो 3.96, मतलब 396 डिवाइडेड बाय 100 तो 396%। 4.20 मतलब 420 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 420%। नेक्स्ट 8.75 मतलब 875 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 875%। ठीक है, तो 6 खत्म। अब 7 में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 5%। तो 5% का मतलब क्या है, 5/100 मतलब अगर डेसिमल में लिखोगे तो 0.05। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा 0.05 है, देखो पहला तो नहीं है क्योंकि 0.5 है तो नॉट इक्वल, दूसरा 0.05 है तो ये इक्वल है, तीसरा सिर्फ 5 है नॉट इक्वल, और चौथा 0.005 है ये भी नॉट इक्वल। वैसे ही 8 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 12.50%। तो 12.5% का मतलब क्या है, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, ये डेसिमल प्लस अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, मतलब 125 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 0.125। 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, है ना, लेफ्ट में, तो अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है,
तो अब देखना है 0.125 कौन सा है। ये तो नहीं है 1.25 है, तो ये नॉट इक्वल। ये है 0.0125, ये भी नॉट इक्वल। ये है 125, ये भी नॉट इक्वल। और ये है 0.125, मतलब सेम। तो ये है इक्वल। नेक्स्ट सम नंबर 9। सम नंबर 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 7.5। तो ठीक है, 75% का मतलब क्या है? 75/100 मतलब 0.75। 100 से अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल दो प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए 0.75। तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो, 750% मतलब 750 डिवाइडेड बाय 100, ये अगर दो प्लस शिफ्ट करेगा तो 7.50 मतलब 7.5। तो ये इक्वल है। ठीक है, सी देखो, 0.75% मतलब 0.75 डिवाइडेड बाय 100, मतलब अगर डिवाइड करोगे तो दो प्लस और शिफ्ट कट जाएगा डेसिमल, 0.0075 हो जाएगा। तो इसीलिए नॉट इक्वल। नेक्स्ट 7.5% मतलब क्या है? 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब दो प्लस शिफ्ट होगा तो 0.075, वो भी नॉट इक्वल। ठीक है, अब 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6.08। तो 6.08 से कौन सा इक्विवेलेंट है? ठीक है, तो 60.8% मतलब 60.8 डिवाइडेड बाय 100, तो अगर डिवाइड करोगे 0.608 आएगा, नॉट इक्वल। नेक्स्ट 6.08% मतलब 6.08 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.0608, इसीलिए नॉट इक्वल। नेक्स्ट 608% मतलब 608 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 6.08, ये इक्वल है। ठीक है, और लास्ट देखो, 0.608% मतलब 0.608 डिवाइडेड बाय 100, तो दो प्लेस और शिफ्ट कर गया डेसिमल, तो इसीलिए यहाँ पे एक जीरो होगा। तो इसीलिए 0.00608 नॉट इक्वल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13 है कंप्लीट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13B। तो फर्स्ट सम देखो, 35% ऑफ 700 ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे देखो, पहले ये जो परसेंट साइन है उसको 1/100 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद 0 0 कैंसिल कर दिया, उसके बाद 35 × 7 मतलब 245 इज़ द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, 19% ऑफ 600, सेम मेथड फॉलो किए, परसेंट साइन को 1/100 से रिप्लेस कर दिए, फिर 0 कैंसिलेशन, फिर 19 × 6 इक्वल टू 114। नेक्स्ट देखो, 21% ऑफ ₹1800, सेम मेथड, परसेंट साइन को 1/100 से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद 0 0 कैंसिल कर दिए, उसके बाद 21 × 18 मतलब 378। उसके बाद देखो, 16 2/3% ऑफ ₹3000, सेम मेथड, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद परसेंट साइन को 1/100 से रिप्लेस कर दिया, फिर लोएस्ट टर्म में कट कर दिया, तो आया 500। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 24% ऑफ 60 liters, सेम मेथड फॉलो किए, तो आया 14.4 liters। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 45% ऑफ 900 meter, सेम मेथड यूज़ किए, उसके बाद आया 405 meter। नेक्स्ट जी देखो, 80% ऑफ 1200, सेम मेथड यूज़ किए, तो आया 960। नेक्स्ट देखो,
37 1/2% ऑफ 140 केजी। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज किए, उसके बाद परसेंट साइन को रिप्लेस किए 1/100 से और देन लोएस्ट टर्म में कट किए, कट करके लोएस्ट टर्म में ले आए। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, 52.50 केजी। नेक्स्ट देखो, 140% ऑफ रुपीस 1500, सेम मेथड यूज किए तो आया 2100। ठीक है, तो सम नंबर वन कंप्लीट हो गया। अब सम नंबर टू, अब सेकंड सम देखो, एक्सप्रेस 15 पैसा, तो एज परसेंटेज ऑफ रुपी वन, तो पहले क्या करना है, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ये कन्वर्ट कर लो। उसके बाद देखो 15 पैसा एज परसेंटेज ऑफ 100 पैसा है ना, 1 रुपी का परसेंटेज मतलब 100 पैसा का परसेंटेज, देयरफॉर 15 पैसा इज 15% ऑफ रुपी वन है ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ 100 पैसा का मतलब है परसेंट, तो इसीलिए 15 पैसा इज 15% ऑफ 1 रुपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 25, तो 20 इज 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100% ऑफ 25। अब ये कैसे आया, देखो ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, 25 में 20 तो 1 में कितना डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 1 कम है, और 100 में कितना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आया ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, इसीलिए हम साइड में थोड़ा सा समझा दिए, ये एक यूनिटरी मेथड है, 25 में 20 है, 1 में कितना होगा और 100 में कितना होगा, 100 में जितना होगा वही है परसेंटेज, तो इसीलिए 20 इज अ 20/25 इंटू 100% ऑफ 25, आफ्टर कटिंग वी विल गेट 80% ऑफ 25। नेक्स्ट देखो, 6 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं, तो मतलब 6 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 100 सेंटीमीटर मतलब 6% ऑफ 1 मीटर, क्योंकि 100 में 6 है, इसका मतलब है 6% ऑफ 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, 5 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो ये सेंटीमीटर है, हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए दोनों को सेंटीमीटर में आना बहुत ज़रूरी है या मीटर में आना बहुत ज़रूरी है, मतलब सेम यूनिट, तो हम इसको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 5 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 200 सेंटीमीटर, तो वही सेम यूनिटरी मेथड, मतलब 200 में 5 तो 1 में कितना और 100 में कितना, ये एक्सप्रेशन आएगा 5/200 इंटू 100, 0 0 कैंसिल कर दिए, उसके बाद आया 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, ई देखो, 12 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम, मतलब 12 ग्राम इज 12/500 इंटू 100% ऑफ 500 ग्राम, ये यूनिटरी मेथड है, 500 ग्राम में 12 तो 1 में कितना होगा 12/500, और 100 में कितना होगा 12/500 इंटू 100, अब 0 0 कैंसिल कर दिए, उसके बाद कैलकुलेट करें, फाइनली हमको क्या मिला 2.4%। एफ देखो, 10 लीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 15 लीटर, तो वही सेम मेथड, 10 लीटर इज 10/15 इंटू 100%, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 66.66%। नेक्स्ट जी देखो, 350 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3.5 किलोमीटर, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिए,
तो इसीलिए 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर इक्वल टू 3500 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, देयरफॉर 350 मीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3500 मीटर, तो दैट इज इक्वल टू 350 divided by 3500 into 100%। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 10% ऑफ 3500 मीटर। एच देखो, 250 ग्राम एज अ परसेंट ऑफ 2 kg, तो 2 kg को पहले कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, उसके बाद 250 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 2000 ग्राम, तो क्या आया 250 divided by 2000 into 100। आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 12.5%। नेक्स्ट आई देखो, 75 पैसा एज अ परसेंटेज ऑफ ₹4, तो 4 रुपी मतलब 400 पैसा, 75 पैसा इज 75 divided by 400 into 100% ऑफ ₹4। आफ्टर कैलकुलेशन क्या आया देखो, 18.75%। ठीक है, लास्ट देखो, 24 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, 2.5 मीटर इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 24 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 2.5 मीटर, तो पहले 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर इज 24 divided by 250 into 100% ऑफ 2.5 मीटर। ठीक है, सेम यूनिटरी मेथड है कि 2.5 मीटर का मतलब है 250 सेंटीमीटर, तो 250 सेंटीमीटर में 24, 1 में कितना होगा 24 by 250, और 100 में कितना होगा into 100। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद क्या मिला, 9.6%। तो सम नंबर 2 कंप्लीट। अब देखो सम नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ क्लास 10% ऑफ अ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथ्स। तो 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, 10% फेल हो गया मैथ्स में, तो कितना पास हुआ मैथ्स में और कितना फेल हुआ। तो देखो, देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन मैथ्स 10% ऑफ 50, वही तो बोला है, तो 10% ऑफ 50 का मतलब है 10/100 × 50, ये जो परसेंट साइन है वो 1/100 से रिप्लेस हो गया। फिर कैलकुलेट किए तो आया 5 स्टूडेंट्स, मतलब 5 स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल किए। तो कितना सारा पास किए, 50 - 5 मतलब 45 पास किए। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 4 देखो। अ बास्केट कंटेन्स 2 dozen मैंगोज, 25% ऑफ मैंगोज आर बैड, फाइंड द नंबर ऑफ गुड मैंगोज। तो ठीक है, पहले डजन को पीस में कन्वर्ट कर लो, 1 dozen इक्वल टू 12 pieces, therefore 2 dozen इक्वल टू 24 pieces, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितना है 24 pieces, 25% उसमें से ख़राब है, तो 24 × 25/100 मतलब ये जो परसेंट साइन है वो 1/100 में कन्वर्ट हो गया, तो 25/100 × 24 अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6 pieces, मतलब 6 pieces ख़राब है, तो 6 pieces mangoes आर बैड। नाउ therefore नंबर ऑफ गुड मैंगोज कितना है, 24 - 6 मतलब 18 pieces अच्छे हैं। नंबर 5 देखो, इन अ क्विज कॉम्पिटिशन अमृत answered 80% of questions correctly. If he was asked 35 questions, how many questions he got correctly? The total number of asked question had 35.
करेक्ट आंसर दिया 80%, मतलब 35 में से 80% करेक्ट, मतलब 80% ऑफ 35 कैलकुलेट करो तो आया 28, मतलब 35 में से 28 करेक्ट आंसर है। तो वही लिखे, नंबर ऑफ करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन आर 28। नेक्स्ट देखो, नंबर सिक्स देखो, अभिषेक गॉट 684 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स, एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज। अभिषेक गॉट 684 मार्क्स आउट ऑफ 900, तो परसेंटेज निकालना है, मतलब 100 में कितना है वो निकालना है। तो देखो, आउट ऑफ 900 अभिषेक गॉट 684, आउट ऑफ 1 अभिषेक गेट डिवाइड होगा, और आउट ऑफ 100 अभिषेक गॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कम है इसलिए डिवाइड हुआ, और ये एक से ज़्यादा है इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया। यूनिटरी मेथड तो आप लोग जानते ही हो। तो आफ्टर कैलकुलेशन क्या आया, 76 मार्क्स, मतलब अभिषेक गॉट 76% मार्क्स। अब सम नंबर सेवन देखो, राकेश गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन इंग्लिश, 31 आउट ऑफ 40 इन हिंदी एंड 65 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स, इन विच सब्जेक्ट हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज बेस्ट। तो ठीक है, देखो, राकेश गॉट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25 इन इंग्लिश, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, 20/25 × 100, मतलब 80%। अब हिंदी में कितना मिला, 40 में 31, तो उसका परसेंटेज कितना है, 31/40 × 100, कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, 77.5%। अब देखो मैथ्स में कितना मिला, 80 में से 65, मतलब इसका परसेंटेज क्या है, 65/80 × 100, तो कैलकुलेट करने के बाद आया 81.25%। तो इन मैथ्स हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर एट देखो, विच इज ग्रेटर, 0.485 और 48/2%। तो देखो, ये तो 0.485 है, और ये 48/2%, 48/2% का मतलब क्या है, 97/2 × 100, तो 97/200, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आया 0.485, मतलब दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर नाइन देखो, फॉर द स्कूल प्ले क्लास फाइव स्टूडेंट्स सोल्ड 344 टिकट्स आउट ऑफ 400 टिकट्स एंड क्लास सिक्स स्टूडेंट सोल्ड 582 टिकट्स आउट ऑफ 600 टिकट्स, इन विच क्लास द सेल परसेंटेज वॉज हायर। तो क्लास फाइव देखो, 344 टिकट्स सोल्ड किए 400 में से, तो इसका परसेंटेज क्या है, 344/400 × 100, मतलब 86%। और क्लास सिक्स ने 582 टिकट सेल किए 600 में से, तो इसका परसेंटेज क्या है, 582/600/100, मतलब 97%। तो क्लास सिक्स का परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट देखो नंबर टेन, इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंडिया स्कोर्ड 400 रन्स, ऑफ दिस सचिन तेंदुलकर अलोन हैड स्कोर्ड 156 रन्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सचिन एंड रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स। तो देखो, इंडिया स्कोर्ड 400 रन्स, सचिन स्कोर्ड 156, तो सचिन का परसेंटेज क्या हुआ, 156/400/100, मतलब 39% सचिन का परसेंटेज है, ठीक है। अब देखो, रन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स क्या होगा, 400-156, क्योंकि 156 तो सचिन ने किया, तो मतलब 244 सबने मिलके किया, तो परसेंटेज कितना होगा, 244/400/100, मतलब 61%।
percentage of runs of rest of the team members is 61%. तो यहीं पे एक्सरसाइज 13 भी खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बाय.